साथ शेयर कर रही हूँ, सिल्वर साइड फिश करी। तो यहाँ पे मैंने हाफ पाउंड 1 पाउंड जो है ये ले ली है फिश स्मॉल वाली। आप कोई भी अपनी मनपसंद फिश जो है ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून जो है ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 2 टीस्पून सूखा धनिया है, 1.5 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर कुटी हुई, और कुछ मैंने कड़ी लीव्स लिए हैं मेरे पास ड्राई हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, 2 बे लीव्स के पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 जो है बड़ी इलायची ली है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 मीडियम ऑनियन लेके और लहसुन अदरक जो है 1 टेबल स्पून, तो इनका पेस्ट बना लिया है, और साथ ही मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं और 2 टेबल स्पून दही और 2 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के ये रख लिया है। तो चले आए इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने ऑयल शामिल कर लिया है और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते, मोटी इलायची, बे लीफ और दालचीनी, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम मसाले जो हैं ऑयल में पकने लगे हैं, तो बस इसमें मैं अब शामिल कर दूंगी प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको जो है अच्छा से हम फ्राई कर लेते हैं, इसको डाल के फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपको जो है अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, दही और हरी मिर्चों का जो मैंने प्योरी बनाया हुआ था उसको शामिल कर देंगे इसमें, और तमाम अपने जो ड्राई मसाले हैं उनको भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। तो हमने फिश डाल के मसाले को नहीं ही भूनना, फिश डालने से पहले ही हम अपने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से भुनाई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। होने लग गया है, तो जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार आपकी फिश करी जो है बनके तैयार होगी। तो बस अब इसमें मैं जो है ये सिल्वर साइड फिश जो है मेरे पास इसको मैं ऐड कर देती हूँ और इसको हल्का सा जो है एक दफ़ा हिला लेते हैं, और बहुत ही हल्के हाथ से हिलाइएगा, फिश बहुत नरम होती है वो एकदम से टूट जाएगी। तो इसको जो है हल्का सा इस तरह हम मसाले में हिला के और इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के लिए आप चम्मच की बजाय कपड़े का इस्तेमाल करें और इसको इस तरीके से हिला लें, इसको 1 से 2 मिनट तक हम अच्छा सा ऐसे ही हल्का हल्का हिला के भून लेते हैं। हम 5 से 6 मिनट तक अच्छा सा भूनते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं 2 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी पानी। अब आपने जितना ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से जो है आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं बॉइल्ड पानी शामिल कर रही हूँ, आप रेगुलर पानी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा बिल्कुल हल्का हाथ से जो है इस तरीके से हिला लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा और मैं रखूंगी शोरबा, तो तकरीबन इसमें जो है मैंने 3 ग्लास जितना पानी जो है शामिल किया है। तो ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी, मैं ले लूंगी 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, उसको हम शामिल कर देते हैं। अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद और इस तरह हाथ से मसल के ये हमने ऐड कर दी है इसमें, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चों को, और अब जो है इसको एक उबाल
जब आ जाएगा तो ढक के इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छा सा कुक कर लूँगी, क्योंकि फ़िश जो है ये बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सिर्फ इसको जो है मैं मज़ीद जो है 15 मिनट्स के लिए ही कुक करूँगी। तो इसको अब हम ढक देते हैं और ढक के इसको तकरीबन जो है मैं 15 मिनट तक पका लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। लो टू मीडियम हीट पे रख के बना लिया है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सिल्वर साइड फ़िश करी जो है बनके तैयार है। हमारी फ़िश भी अच्छी तरह जो है ये गल गई है, ये आप देख सकते हैं। तो बस अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिश करी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।